श्रीफल न्यूज परिवार की प्रस्तुति श्रीफल न्यूज। नर्क दुष्प्रवृत्तियों से और स्वर्ग सद्गुणों से बना स्थल, जहां पर दूसरों के साथ छल कपट का व्यवहार किया जाता हो, जहां पर दूसरों को गिराने की योजनाएं बनाई जाती हों, और जहां पर दूसरों के उन्नति से ईर्ष्या की जाती हो, वह स्थान नरक नहीं तो और क्या है। नरक अर्थात वह वातावरण जिसका निर्माण हमारी दुष्प्रवृत्तियों व हमारे दुर्गुणों द्वारा होता है। स्वर्ग अर्थात वह स्थान जिसका निर्माण हमारी सद प्रवृत्तियों व हमारे सद आचरण द्वारा किया जाता है। यह बात आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी ने कही। उन्होंने कहा कि मरने के बाद हम कहां जाएंगे ये महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु हम जीते जी कहां जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति जीवन की उपलब्धि हो ना हो, मगर जीते जी स्वर्ग जैसे वातावरण का निर्माण कर लेना अवश्य जीवन की उपलब्धि है। आरिका श्री राजा खेड़ा में चल रहे श्री 1008 सर्वतोभद्र स्वयंभू महामंडल विधाना के पश्चात सभा को संबोधित कर रही थी। उनके प्रवचनों से पूर्व विधान के पांचवे दिन भगवान के अभिषेक, शांति धारा, नित्य नियम और विधान की संगीतमय पूजन की गई। महाआरती होने के बाद रात्रि में सांस्कृतिक आयोजन से पूर्व ब्रह्मचारी नेहा दीदी ने शास्त्र प्रवचन किए। उन्होंने कहा कि यह सत्य है कि प्रत्येक क्षण को तुमने जिया वही तुम्हारा था। जिंदगी क्षणिक है और वे ही क्षण तुम्हारे हैं जो तुम जी रहे हो। जिंदगी को भरपूर जिए, आज में जिए, खुश होना कभी न भूले। भौतिक वस्तुएं और जिस भी चीज के लिए आप यहाँ लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, आप यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते हैं। बस आपकी अपनी आत्मिक प्रसन्नता ही आपके लिए है। शास्त्र सभा के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। नव वर्ष में भक्तामर महामंडल विधान। परम पूज्य आरिका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के पावन सानिध्य में नव वर्ष के मंगल आगमन पर 31 दिसंबर को श्री भक्तामर महाअर्चना राजाखेड़ा जिला धौलपुर में रखी गई है। 1 जनवरी 2017 श्री 1008 भक्तामर महामंडल विधान एवं पूज्य गुरुमा का पिच्छिका परिवर्तन का समारोह संपन्न होगा। रिपोर्ट संजय पाटनी, बूंदी।